हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 8 बज चुका है और 8 बजे से आप लोगों का क्लास चल रहा था बायोलॉजी का। और एक बात आपको बता दें कि दूसरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खत्म हो गया। और आज से जो शुरू करेंगे वो मानव जन्म तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। मानव जन्म जो है, जो ऑफलाइन पढ़ते उनका मानव जन्म खत्म होने वाला है, एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन ऑनलाइन जो है अब आप लोग को शुरू हो गया है। तो आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन का आज जो क्लास होने वाला है वो बिल्कुल जो है बेसिक क्लास कराएंगे, बिल्कुल ही बेसिक चीजें आज बताएंगे आपको मानव जनन में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, शिवशंकर बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जो भी क्लास होगा, इस बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी जाएगी सारे चीजें आपको एक पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए देख लीजिएगा बढ़िया से, मानव जनन इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या लिखते हैं बाबू? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए अब एक बात यहां पे समझ लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। आइए सुनते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक शब्द लिखते हैं यहां पे मानव। क्या लिखे शब्द बाबू? मानव लिखे। तो एक बात यहां पे समझिए कि पृथ्वी पर जितने भी मानव दिखाई देते हैं, मानव भी एक प्रकार के क्या है, जंतु है। पृथ्वी पर जितने भी मानव दिखाई देते हैं वो मानव एक प्रकार के जंतु ही हैं। और मानव जो होते हैं वो एक लिंगी प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी प्राणी होते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, एक लिंगी प्राणी का मतलब क्या होता है? आपको हम बताए थे कि जिसमें नर अलग हो और मादा क्या हो, अलग हो। तो जब नर और मादा दोनों अलग होगा, तो जब नर अलग हो जाएंगे मादा अलग हो जाएंगे तो दोनों अलग अलग लिंग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी प्राणी। हम लोग क्या है? नर है तो हम लोग अलग हैं, लड़कियां क्या है? मादा है तो वो लोग अलग है। एक एक लिंगी अलग अलग लिंग वाले प्राणी है कि नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मानव में जो नर होते हैं उस नर को पुरुष कहते हैं। नर को क्या बोलते हैं? नर को पुरुष बोलते हैं। और जो मादा होती है उस मादा को मानव में महिला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? महिला कहते हैं। एक बात और समझ लीजिएगा कि पृथ्वी पर जितने भी आपको मानव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मानव, तो जब नर अलग होंगे और ये मादा भी अलग ही होंगे, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तब तो सेक्स की क्रिया करेंगे यानी निषेचन की क्रिया करेंगे। तो आपको बताए थे कि जिसमें अलग अलग नर हो और मादा अलग हो और दोनों एक साथ मिलकर जनन की क्रिया करते हैं, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। पहला चैप्टर में पढ़ना था जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहला चैप्टर में पढ़े थे कि लैंगिक जनन उसको बोलते हैं जिसमें नर अलग होते हैं और मादा दोनों अलग अलग होती है। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जब नर अलग होंगे और मादा भी अलग होंगे और दोनों क्या करेंगे, लैंगिक जनन की क्रिया करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? एकलिंगी प्राणी होते हैं, इसलिए इसको लैंगिक जनन की क्रिया करना अनिवार्य होता है। तो एक बात और समझिए कि मानव जो होते हैं वो स्तनधारी प्राणी होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सर स्तनधारी किसको बोलते हैं, ये भी बात हो जाती है, स्तनधारी प्राणी। तो देखिए मानव स्तनधारी उसको बोलते हैं कि जिसमें जो व्यक्ति, या यहाँ पे दूसरे शब्द में मानव जंतु है तो बोल सकते हैं कि वह ऐसा जंतु, मानव एक प्रकार के जंतु ही है, तो कह सकते हैं कि जो संतान को जन्म देता है और अपने स्तन से दूध पिलाता है संतान को, उसको स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जो होते हैं अपने संतान को जन्म देता है, बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, संतान को जन्म देता है
और स्तन से लगाकर बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए इसको स्तनधारी प्राणी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझने योग्य बात होती है कि देखिए, जैसे यहाँ पे समझिएगा, अभी अभी बताए कि पूरे पृथ्वी पर मानव जो है दो ये तरह के मानव है, एक मानव क्या है नर के रूप में है और एक मानव जो है किसके रूप में है मादा के रूप में। ठीक है, चलिए जैसे देख लीजिए ये क्या है नर है, इसका फिगर बना देते टकलू महाराज के, ये टकलू है, क्या है टकलू, ये क्या हो गए नर हो गए, और एक ये है कौन हो गए ये। चलिए चलिए अब यहां पे एक बात समझ लीजिए कि देखिए ये लड़की हो गई, ठीक है, और ये लड़की का नाम है पूजा कुमारी, कौन, हाँ पूजा कुमारी, एकरा मालूम ना कोई होते। चलिए तो एक बात यहाँ पे समझिए, ये क्या हो गया नर हो गया, तो इस ये पूरा नर है, ये लड़का है तो इसको क्या बोलते हैं नर बोलते हैं, और ये क्या है लड़की है तो लड़की को क्या बोलते हैं मादा बोलते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा, इसका उम्र की अगर हम बात कर ले तो ये लड़का का उम्र जब 10 से 12 साल होता है, कितना 10 से 12 साल, और ये लड़की की अगर हम बात कर ले तो इसका उम्र अगर होता है 11 से 13 साल, कितना होता है बाबू 11 से 13 साल होता है, तो 11 से 13 साल जब होता है तो इसके शरीर में, किसके शरीर में, ये जो पूरा शरीर है इसके शरीर में जो है एक इगुमक का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है इगुमक का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे इसका उम्र जो है 11 से 13 साल होता है तो इसके शरीर में भी एक इगुमक का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, ये जो नर है तो ये लड़का है नर है, तो नर में जो इगुमक बनता है इस इगुमक को बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं, और ये जो इसमें इगुमक बनता है इसके इगुमक को बोलते हैं अंडाणु, क्या बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आए, अब एक बात समझ लीजिए, इसका पूरा शरीर इतना है और इसका शरीर माथा से लेकर पैर इतना है, तो ये जो पूरा शरीर है इस शरीर की अगर हम बात कर ले तो इस पूरे शरीर में चाहे तो नर वाला हो चाहे तो मादा वाला हो, तो पूरे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल कितना होता है 46 होते हैं, कितना होता है 46, तो ये पूरा जो शरीर है गुणसूत्र का उस गुणसूत्र में जो संख्या होती है, ये पूरे शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना 46, तो लड़का में भी 46 और लड़की में भी 46 होते हैं। लेकिन यही चीज अगर देखे तो देखिए लड़का में क्या बनते युग्मक और मादा में भी युग्मक बन रहे, तो ये शुक्राणु जो क्या है नर युग्मक हो गया और ये अंडाणु क्या है मादा, क्योंकि महिला मादा है और मादा में युग्मक बन रहा है, युग्मक को मादा के युग्मक को क्या बोलते हैं अंडाणु, और नर के युग्मक को क्या बोलते हैं शुक्राणु, तो ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक, तो ये जो मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं इसमें गुण सूत्र होते हैं कितना 23, और ये जो अंडाणु होते हैं इसमें गुण सूत्र कितना होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, अब आ गया ये 23 क्यों होते हैं, क्योंकि जितना ये शुक्राणु होता है इस शुक्राणु को अगुणित कहते हैं, क्या कहते हैं अगुणित कहते हैं, और ये जो अंडाणु होता है इस अंडाणु को भी क्या बोलते हैं अगुणित बोलते हैं। ठीक है, अगुणित, अब अगुणित का मतलब क्या होता है, अगुणित का मतलब होता है कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो, गुणसूत्र की संख्या क्या हो आधी, गुणसूत्र की संख्या आधी हो, क्या हो आधी हो। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्र में यहां पे पूरा शरीर में गुणसूत्र कितना 46, लेकिन ये लड़का है नर है तो नर यहां से लेकर पैर तक के जो गुणसूत्र पाया गया उसके शरीर में टोटल 46 पाया गया, लेकिन नर का जो शुक्राणु उसमें गुणसूत्र कितना है 23 है, लड़की के शरीर में कितना गुणसूत्र है 46, लेकिन लड़की के जो अंडाणु बन रहे उसमें गुणसूत्र कितना है 23,
तो अगुणित इसलिए कहते हैं युग्मक को। युग्मक को क्या बोलते हैं? युग्मक को अगुणित ही बोलते हैं। और युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। तो अंडाणु भी अगुणित हो गया और शुक्राणु भी अगुणित। तो जो अगुणित होते युग्मक जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है उसको हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, जब यही दोनों यानी ये युग्मक और ये युग्मक यानी अंडाणु शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके जो है युग्मनज बनाते हैं। यानी एन इधर से भी मिलते हैं और इधर से भी मिलते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? 2n बनाते हैं। यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बाबू? एक दूसरे के साथ मिलकर के युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज को 2n से सूचित करते हैं। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है। अब यहाँ पे एक और बात समझने योग्य होता है कि देखिए युग्मक जो बनता है क्या बनता है? युग्मक बनता है। युग्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है युग्मक। क्या है? युग्मक है, ठीक है। और युग्मक में अभी बताए कि दो तरह के युग्मक का निर्माण होगा। एक युग्मक बनता है अंडाशय में। क्या बनता है? एक युग्मक बनता है अंडाशय में, ठीक है, और एक युग्मक बनता है वृषण में। क्या बनता है बाबू? वृषण में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये जो अंडाशय होता है ये मादा का भाग होता है। किसका होता है? मादा का। और ये जो वृषण होता है ये नर का भाग होता है। किसका होता है? नर का। तो वृषण में बनते हैं क्या? अभी देखिए समझाए कि वृषण में जो है शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय जो होता है इस अंडाशय में अगर देखा जाए तो अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु। याद रखिएगा कि अंडाशय में किसका निर्माण? अंडाणु का। वृषण में किसका निर्माण? शुक्राणु का। वृषण किसका भाग है? नर का। अंडाशय किसका भाग है? नर का। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। अभी बताए सारे चीज, अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तीसरा चैप्टर का, इसका जननांग जब शुरू करेंगे तो हर चीज को एक एक बात को डिटेल ले जाकर समझा समझा कर बताएंगे। अभी इतना समझिए और इस सारे को पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात समझिए, ये जो वृषण होते हैं जितना भी वृषण कहाँ पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। और जो अंडाशय होते हैं कौन होते हैं? अंडाशय। ये अंडाशय कहाँ होते हैं? मादा में। तो वृषण और अंडाशय दोनों की अगर हम बात कर ले तो दोनों जो होता है जनन इपिथिलियम कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? जनन एपिथिलियम, जनन एपिथिलियम कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? जनन एपिथिलियम कोशिका का बना होता है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे समझ में आया? इधर कोई दिक्कत? कभी कभी ना क्वेश्चन करता है कि नर में शुक्राणु कितना साल की उम्र में बनता है? 10 से 12 साल में। और महिला में अंडाणु 11 से 13 साल की उम्र बनता है, तभी जाके उन लोग में मासिक चक्र 11 से 13 साल में आता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे समझिए कि हम वृषण जो होता है नर का और अंडाशय जो होता है मादा का, ये दोनों किस कोशिका का बना होता है? जनन इपिथिलियम कोशिका का बना होता है। और ये जनन इपिथिलियम कोशिका को हम लोग दूसरी भाषा में जर्म कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? जनन इपिथिलियम को जर्म कोशिका भी बोलते हैं या जनन उपकला भी बोलते हैं। जनन उपकला। क्या बोलते हैं? जनन उपकला भी बोलते हैं। याद रखिएगा जनन इपिथिलियम कौन से कोशिका के नाम से जानते हैं? जर्म कोशिका के नाम से। और जनन उपकला के नाम से जर्मिनल इपिथिलियम कोशिका अंग्रेजी में लिखाता है जर्मिनल इपिथिलियम से। तो ये जो जनन इपिथिलियम कोशिका है जर्म कोशिका या जनन उपकला, इसमें जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं पहले समसूत्री होता है, बाद में अंतिम रूप से अर्धसूत्री होता है। तो जब अंतिम रूप से ये बताएंगे कैसे होता है, ये पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो जब अंतिम रूप से ये जो बनता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जैसे अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो इसमें जो है युग्मक का निर्माण होते हैं, ठीक है। क्या निर्माण होते हैं अर्धसूत्री विभाजन होकर के? युग्मक बनाता है। क्या बनाता है बाबू?
युग्मक बनाता है, ठीक है। और ये युग्मक बनते हैं दो तरह के, कौन कितने तरह के, दो तरह के। एक बनते हैं शुक्राणु के रूप में और एक बनते हैं अंडाणु के रूप में, ठीक है। अब यहां पे समझिए, जब ब्रिसल के जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, शुक्राणु। और जब अंडाशय के जनन एपिथीलियम कोशिका में विभाजन होता है कौन सा, अर्धसूत्री, तो क्या बनता है, अंडाणु। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि जब ब्रिसल के जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु बनता है, जब अंडाशय के जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंडाणु बनता है, यानी अंडाणु का निर्माण अंडाशय में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिसल की कोशिका, ब्रिसल जो होता है किसका बना होता है, जनन एपिथीलियम कोशिका का, और अंडाशय किसका बना होता है, जनन एपिथीलियम कोशिका का, ठीक है। अब इसको हम जो है मिटा देते हैं, एक बात यहां पर समझ लीजिए, चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद जो है आपसे हम बात करते, पहले इधर मिटाते, किधर मिटाते, इधर मिटाते, ठीक है। चलिए यहां पे बढ़िया से समझिएगा सारा प्रोसेस, बेसिक जब जान जाइएगा ना तो फिर आगे जो है सारी चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, अब यहां पे एक बात बताइए कि जो युग्मक बने थे यहाँ पे, अभी लिखे क्या लिखे कि जो ब्रिसल होते एक और एक क्या होते अंडाशय, क्या होते अंडाशय, चलिए अंडाशय, ये जो अंडाशय होता है इसकी अगर अंडाशय की हम बात करें तो अभी बताएं अंडाशय में क्या निर्माण होता है, अंडाशय में बनता है अंडाणु, क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और ब्रिसल की अगर हम बात कर ले तो ब्रिसल में क्या बनता है बाबू, ब्रिसल में बनता है शुक्राणु, क्या बनते हैं ब्रिसल में, शुक्राणु बनते हैं। तो बढ़िया समझिएगा, अंडाशय में क्या बन रहा है, अंडाणु, और ब्रिसल में क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। तो अभी जस्ट बताएं कि ब्रिसल जो होता है, ब्रिसल के जनन एपिथीलियम कोशिका में जो शुक्राणु विभाजन की क्रिया होता है, तो ब्रिसल के जो जनन एपिथीलियम कोशिका है इसमें जैसे अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो शुक्राणु बनते हैं, और अंडाशय के जो जनन एपिथीलियम कोशिका है, जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंडाणु बनते हैं। तो ये जो ब्रिसल से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है ना, ब्रिसल में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, तो जो बनने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को, और इधर बात कर लेते हैं अंडाशय में अंडाणु जो बनता है इस बनने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को, तो यहां पर समझिएगा इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन कहते हैं या शुक्राणु जनन कह सकते हैं, और इस प्रक्रिया को अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंडक जनन, ठीक है। याद रखिएगा कि शुक्र जनन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन करे तो कहिएगा कि ब्रिसल के अंदर जनन एपिथीलियम कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको शुक्र जनन कहते हैं, और अंड जनन पूछेगा तो क्या कहिएगा, ओजेनेसिस, ओ इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको क्या कहिएगा कि जब अंडाशय के जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात में, जब अंड जनन पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, सर्वप्रथम पहले जो है ना समसूत्री विभाजन होता है, अंत में जाकर के जो होता है अर्धसूत्री, तब जाकर के बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन, और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिए, ये जो है अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों को युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, दोनों को युग्मक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात आती है, ये जो युग्मक है तो दोनों युग्मक ना बन रहा है बाबू, शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या बोल रहे हैं, शुक्र जनन, अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन, तो ये जो क्या है युग्मक है, और ये क्या है युग्मक है, तो युग्मक जो बनता है यहाँ पे लिख सकते हैं कि युग्मक, दोनों युग्मक है, तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोल सकते हैं, युग्मक बनने की क्रिया को
बनने की जो क्रिया होती है, तो युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है, जनन कहते हैं। चलिए समझ में आई बात, ये याद रखिएगा। युग्मक जनन जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। और इसको ओजेनेसिस, अंड जनन को ओजेनेसिस बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओजेनेसिस का मतलब अंड जनन, युग्मक को गैमिट कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, गैमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक इधर लिखते हैं, यहां समझिएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाता है? अभी बताए थे कि दोनों मिलकर के जो है युग्मनज का निर्माण करता है। क्या बोलता है? युग्मनज का निर्माण करता है। तो ये जो युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की अगर हम बात कर ले तो ये जो युग्मनक, यहां पे समझिएगा क्या समझना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ मिलते हैं और मिल करके जो युग्मनज का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आगे निषेचन डिटेल भी पढ़ाएंगे, इधर आप मिटा देते हैं। चलिए देख लीजिए, समझिएगा बढ़िया से अब यहां पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे युग्मनज बन गया, ठीक है, और ये जो युग्मनज बना है यही युग्मनज, ये जो युग्मनज होता है यही युग्मनज जो है विभाजन की क्रिया कर भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? भ्रूण बनाते हैं, इसको जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट। और ये होता है इम्ब्रायो, ठीक है। तो इम्ब्रायो जो होता है भ्रूण, तो युग्मनज जिससे क्या बन रहा है? भ्रूण फिर बनता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक क्या मिलते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज से फिर क्या बनता है? भ्रूण। तो जो भ्रूण बनता है, युग्मनज से जो भ्रूण बनता है, इस प्रक्रिया की अगर हम बात कर ले तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भ्रूणोद्भव। क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूणोद्भव कहते हैं, इंग्लिश में इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। चलिए याद रखिएगा कि युग्मनज से जो भ्रूण बनता है तो भ्रूण बनने की क्रिया को इम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य होती है, ठीक है, चलिए यहीं पे समझ लीजिए युग्मनज के बारे में। किसके बारे में समझ लीजिएगा बाबू? युग्मनज के बारे में। देखिए युग्मनज होता है, इस युग्मनज की अगर हम बात कर ले तो इस युग्मनज में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होते हैं। कौन सा विभाजन होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन। तो जैसे ही युग्मनज की बात करें तो युग्मनज में जो है समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें जो है एक खोखली गेंद का गोलाकार, खोखली गेंद के समान, याद रखिएगा युग्मनज जो होता है कि जब युग्मनज बन जाते हैं तो भ्रूण कब बनता है? कि जब युग्मनज में जैसी कौन सा विभाजन होता है, तो ये समसूत्री विभाजन होता है। तो खोखली गेंद के समान जो है एक रचना बनता है, कि क्या बनता है? समान जो है एक रचना बनता है। तो खोखली गेंद के समान जैसी रचना बनता है तो ये रचना जो है क्या हो जाता है? एक रचना बनता है। क्या बनता है? रचना। और यह रचना जो है गोलाकार हो जाता है। क्या हो जाते हैं? गोलाकार हो जाता है। और ये जो रचना गोलाकार होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझने योग्य होती है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन करता है, दो नंबर में पूछता है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो कह सकते हैं कि जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तो एक खोखली गेंद के समान रचना बनती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, या कह सकते हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया को, किसको, इस संपूर्ण जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो पूरा संपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन करता है कि ब्लास्टुलेशन क्या है और ब्लास्टोसिस्ट क्या, याद रखिएगा कि जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तो खोखली गेंद के समान एक गोलाकार रचना बनता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट बनने की पूरी प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। यहां तक कि किसी को दिक्कत है कमेंट कर दीजिए। तो आज का जो बेसिक क्लास था वो इतना था। अब इतना के बाद जो है शुरू करेंगे मानव के नर जनन तंत्र से, और मानव के नर जनन तंत्र पूरी अच्छे तरीके से जब पढ़ लेंगे तब मादा जनन तंत्र शुरू करेंगे। इसमें हार्मोन के बारे में बहुत सा पढ़ना है, हार्मोन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सारे जितना आज बोर्ड पर लिखे सारे को पीडीएफ जो है, या इस फोटो जो है इसका, टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा। वहां आप जो है लिख भी सकते हैं कॉपी में, और दोबारा रिपीट बार बार वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। बार बार वीडियो देखने से ना याद हो जाती है, रट्टा मारे के लिए आप जितना देर रट्टा मारिएगा एक बार फिर से वीडियो ऑन करके कानों में सुन लीजिए तो याद हो जाएंगे, ठीक है। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, अंडाशय से अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिलते युग्मनज बनाता है, और युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तो खेखली गंध के समान रचना बनती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्लास के वीडियो जितने भी रहते हैं शेयर कर दीजिए बच्चों के पास कि मानव जो है शुरू हो गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट जो है जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए।